ASN24 पल पल की खबर। SCCL चिरमिरी क्षेत्र में कार्यरत रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के अधिकारी रामेश्वर त्रिपाठी एवं उनके अधीन कर्मचारियों ने लिखित में जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देते न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अंबिकेश्वर सिंह, पिता अवध बिहारी सिंह, निवासी खान बचाव केंद्र डनहिल चिरमिरी का निवासी है, जो कैंपस के अंदर अनैतिक गतिविधियों एवं खान बचाव केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को कई तरह की धमकियां देता रहता है। अंबिकेश्वर सिंह खान बचाव केंद्र डोमन हिल के मकान नंबर B3 में अनाधिकृत रूप से निवासरत है। इस मकान पर आए दिन असामाजिक तत्वों का आवागमन बना रहता है, साथ ही शराब का लेन देन भी व्यापक पैमाने पर किया जाता है एवं लड़कियों का आना जाना भी कैंपस के अंदर चलता है, जिससे अनैतिक कार्य से इनकार नहीं किया जा सकता। अंबिकेश्वर सिंह को खान बचाव केंद्र की गाड़ियों से डीजल निकालने के कारण SCCL की सेवा से हटाया जा चुका है। इसके बावजूद वह खान बचाव केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों से रंजिश रखता है, क्योंकि गाड़ी से डीजल निकालने के कारण सभी ने प्रबंधक को ईमानदारी से अपना अपना बयान दर्ज कराया है, जिसकी वजह से उन्हें दोषी ठहराया गया है और SCCL की सेवा से वंचित किया गया है। इसके विरुद्ध 20 मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों की सुनवाई न्यायालय में विचाराधीन है। अभी अंबिकेश्वर सिंह की जमानत पर रिहा होने के बाद खान बचाव केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को झूठे प्रकरण दर्ज करने की धमकी देता रहता है। इससे पहले भी झूठे मामले में फंसाया जा चुका है। अंबिकेश्वर के कारण खान बचाव केंद्र के कर्मचारी कैंपस के अंदर बने मकान पर रहने से डरते हैं, क्योंकि हमेशा वहां असामाजिक तत्वों का डेरा जमा रहता है। वहीं अंबिकेश्वर सिंह का कहना है कि मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, जबकि इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मुझे खान बचाव केंद्र में इस्तेमाल होने वाले वाहन से डीजल निकालने की वजह से SCCL के द्वारा सेवा समाप्त किया गया है, पर यह सब रामेश्वर त्रिपाठी के रचित षड्यंत्र हैं। पर मैं इन चीजों से घबराने वाला नहीं हूं। मुझे न्यायिक हिरासत में रहते हुए नौकरी से निकाला गया है, जिसके लिए मैंने अपील कर दी है। और रही बात मेरे मकान की, जब तक मेरा मामला विचाराधीन है तब तक मुझे यहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अगर मेरे घर पर मेरे रिश्तेदार आते हैं तो क्या वो असामाजिक तत्व हैं? ये क्या मानसिकता है, मेरी समझ से परे है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि रामेश्वर त्रिपाठी के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था कि अंबिकेश्वर सिंह के द्वारा झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है और SCCL से निलंबित होने के बाद भी अवैध रूप से मकान में रह रहे हैं, जिसकी जांच के लिए चिरमिरी थाने में मामले की शिकायत को भेज दिया गया है। जांच के उपरांत कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल यह देखना होगा कि पुलिस के द्वारा जांच कर कब तक कार्यवाही की जाती है। सिंह सनाप और स्वर्गीय बिहारी सिंह सोनामनी चिरमिरी। रेस्क्यू के त्रिपाठी जी के द्वारा एक और उनके कर्मचारी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि आपने अपने SCCL क्वार्टर को कब्जा करके रखे बर्खास्त की बात क्या है? ये मनगढ़ंत है, चूँकि रामेश्वर त्रिपाठी और मनोज दास दोनों से विवाद है। मनोज दास एक 38 के केस किए थे, उसमें वो हार गए हैं और रामेश्वर त्रिपाठी के खिलाफ मैं एक लड़की के छेड़खानी रेप के पीछे उसमें पुलिस मेरे गवाह बना दी थी, तब से नाराज हैं। और रही बात बर्खास्तगी की, तो बर्खास्तगी मेरे जेल में रहते हुए हुआ है। झूठे प्रकरण में जेल भिजवाए थे लोगों ने मिलकर। ये चार की लाबी है, ये राजन सिंह चौहान, रामेश्वर त्रिपाठी मैनेजर, प्रकाश तिवारी और अशोक श्रीवास्तव। बस प्रकाश तिवारी, अशोक श्रीवास्तव दोनों PCC सदस्य हैं, उनकी दादागिरी यहाँ चल रही है। किसी की जमीन हड़पना, किसी को झूठे केस में फंसाना, और मेरी बर्खास्तगी हुई है। मैंने आके अपने मर्सी अपील CMD के पास दाखिल किया है समय अनुसार। माननीय CMD जैसा आदेश करेंगे, इसके बाद भी हमारे वेज बोर्ड के अनुसार SCCL के रूल्स में ये प्रावधान है, पहले ग्रेजुटी मिलता था क्वार्टर छोड़ने पर, अब जो है क्वार्टर छोड़ना अनिवार्य नहीं है। तो हम इनके कहने से, इनके आरोप लगाने से इतना जल्दी कहाँ चले जाएंगे? रही बात दूसरी कि हम असामाजिक तत्व लाते हैं, तो आज मेरे को यहाँ 7-8 साल हो गया रहते, तो किसने शिकायत किया और किस मतलब हमारे सहयोगी कर्मचारी ने आरोप लगाया? उनको व्यक्तिगत परेशानी है, व्यक्तिगत परेशानी, वो खुद विवादित वहाँ कोतमा से होके यहाँ आए हैं, उनके बारे में सब अधिकारी जानते हैं कि वो किस टाइप के आदमी हैं। और कोई आरोप लगाता है पुलिस में, उनका उसके लिए प्रावधान है, थाने में रिपोर्ट करें, कार्रवाई कराएं, हमारे सिक्स पकड़वाएं कि कौन असामाजिक तत्व हमारे घर में आता है। अगर कोई हमारे परिचित या रिश्तेदार मेहमान नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा कोई अपना मकान तो यहाँ है नहीं। हम नौकरी फिर से हमको मिलेगी, हमको आशा है। एक पक्षी इन लोगों ने मनगढ़ंत रामेश्वर त्रिपाठी ने इतना शर्मनाक जो है आरोप लगा के डिसमिस किया है। SC हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के गाइडलाइन, एक बार इन्होंने दोषी ठहराया था, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने
इनको इंक्वायरी को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद फिर इंक्वायरी किए, लेकिन अब इन लोगों ने दो दो बार मुझे झूठा जेल भिजवा दिया। और हमारी जो जमीन वमीन है खड़गवा में उसको भी हड़पने की पूरी तैयारी कर लिया। भिजवाने के बाद अब जो है आ रहे हैं, तो हम अभी 4-5 दिन हुआ मेरे को 6 दिन रहते हुए, अब ये हाल है। ये सब मनगढ़ंत हैं, आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, जान लीजिए। पहले मैंने भी पहले पत्रकारिता किया है 15-20 वर्ष, मुझे मालूम है। और किसी त्रिपाठी, ये तीन को छोड़ के कोई भी कह दे कि हाँ आपसे हमको भय लगता है, या आसपास पारा मोहल्ला का कोई कह दे कि हमको भय लगता है इनसे, 376 में भी झूठा फंसाने का मामला, 376 के अलावा 354 दो चीज़ में एक ही लड़की से दो बार झूठा रिपोर्ट कराए। नहीं नहीं, हाँ आपके ऊपर 376 को उनके ऊपर झूठा रिपोर्ट करा के मामला बनाने का बात कहे, क्या कहेंगे? ये सब मिल के बनाए हैं ना, जमीन हड़पने और अपने वो करने के लिए, क्योंकि हमने उसमें गवाह को पुलिस बना दी थी मेरे को 376 के मामले में, उनके ऊपर जो त्रिपाठी के ऊपर लगा था, तो उसमें वो क्रोध रखे हुए हैं कि आपने जो है हमारे खिलाफ गवाह दिया और आपके यहाँ कोई आया था उससे आप रिपोर्ट कराएं। तो हमारी क्या उनसे दुश्मनी कि हम रिपोर्ट कराएं भाई? हमारा कोई इतिहास ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट कराएं वो कराएं, जबरन है बदनाम कर रहे हैं। रामेश्वर त्रिपाठी, सीनियर मेजर मानी, खान बचाव केंद्र सोनावानी, एसीसीएल में पोस्टेड हूँ। सर, आपके द्वारा कलेक्टर महोदय श्री माननीय एसपी महोदय को एक पत्र देकर सूचित किया गया था अम्बिका सिंह जो कि बर्खास्त हो गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ असामाजिक तत्वों को लेकर डवारा बढ़ा रहता है, क्या मामला पर बताइएगा? हाँ, हमने 26/6/2020 को एसपी कार्यालय में एक पत्र दिया था और वो सभी स्टाफ ने चूँकि मुझे भी दिया था शिकायत पत्र और क्या बोलते हैं जीएम को भी दिया था, तो उसका हमने एक स्वयं कवरिंग लेटर बना करके सीएसपी चिमरी, थाना चिमरी और केवरिया कलेक्टर एसपी को ईमेल के माध्यम से भेज दिया था। उसके तहत क्या था, अंबिकेश्वर सिंह शुरू से ही जब से मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है उसके पूर्व से ही यहाँ पर गलत गतिविधियाँ संचालित कर रहा था, उसके यहाँ लड़कियों का आना जाना, रात में 2-3 बजे तक दारू पीना, कई लोगों को इकट्ठा करके अनेक प्रकार की अनैतिक गतिविधियों का संचालन शुरू से होता रहा है। रेस्क्यू वैन का चाबी न देना, ऑफिस में घर में रखना, जब मर्जी उसका डीजल भराने के बाद निकाल लेना, मेरे वगैरह हस्ताक्षर से भी एरिया से किसी न किसी से साइन करा के डीजल निकलवा लेता था। मैंने उसके गलत गतिविधियों को रोक लगाने के लिए प्रयास किया तो उसने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया इंजूरिया बाई के माध्यम से, जो बाद में मैं कोर्ट से बरी हो गया। उसे एसीसीएल ने जो चार्जशीट दिया उसका निराकरण अभी पिछले माह हुआ और उसको सेवा से हटा दिया गया है, यानी वो डिसमिस हो गया। डिसमिस होने के बाद भी उसकी जो गलत गतिविधियां हैं अभी भी, पुराना जो सोनावानी मैनेजर ऑफिस है उसको भी कब्जा करके रखा है, यहाँ रेस्क्यू कैंपस में E3/3 नंबर क्वार्टर को उसने कब्जा किया है। उसकी गलत गतिविधियों का हमारा कोई भी स्टाफ यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं स्वयं मजबूर होकर यहाँ से जीएम कॉम्प्लेक्स में क्वार्टर लेकर रह रहा हूँ, क्योंकि वो दारू पीता है, अनैतिक गतिविधियों के बाद दरवाजे पर दारू की बोतलें फेंक देना, अनेक प्रकार की अनेक छोकरियों को बुलाना, इस तरह से धंधा उसका, मादक द्रव्यों का प्रयोग करना, इस तरह से लगातार चल रहा है। हमने उसी संदर्भ में सभी स्टाफ ने, हम लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी है, अभी इस संदर्भ में कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, संभव है आगे कार्रवाई हो। एसीसीएल तरफ से प्रयास जारी है कि इसे क्वार्टर खाली करा दिया जाए जिससे रेस्क्यू का संचालन तरीके से हो सके, क्योंकि ये इमरजेंसी सेवा है, यहाँ पर स्टाफ न रहने से हमको तुरंत इमरजेंसी में लोगों को घरों से बुलाना पड़ता है, जिसके कारण थोड़ा देरी भी होती है इमरजेंसी अटेंड करने में। तो हमारा प्रयास है यहाँ से अंबिकेश्वर सिंह को हटा दिया जाए, और जो हट जाएगा तो हमारे स्टाफ जो है सब यहीं शिफ्ट हो जाएंगे जिससे हमारी इमरजेंसी सर्विस बढ़िया से संचालित होगी। इतना डर क्यों है कि आपके स्टाफ को यहाँ रहने में अंबिकेश्वर सिंह से डर क्यों लगता है? उसने इंजूरिया बाई या और कुछ लड़कियों के माध्यम से मेरे ऊपर 376 का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया, सभी स्टाफ के विरुद्ध भी एक प्रकरण पुलिस में दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन जांच में झूठा पाया गया। मैं स्वयं 6 महीना अभिरक्षा में रहने के बाद कोर्ट केस से बरी हुआ हूँ, तो सभी स्टाफ को ये डर है और धमकी देता है बार बार कि हम त्रिपाठी साहब की जगह की तरह, डॉक्टर कुजूर की तरह आप लोगों को भी मैं केस में फंसा दूंगा, आपकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, नहीं तो मर्डर करवा दूंगा, इस तरह की अनेक प्रकार धमकियां दे रहा है। लोग अकेले यहाँ ड्यूटी करते हैं जिससे उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, लोग हमेशा डरे रहते हैं
कि कभी भी ये किसी लड़की के माध्यम से झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करा सकता है और हम फंस जाएंगे, जिससे हमारी फैमिली तबाह हो जाएगी, हम स्वयं परेशान हो जाएंगे। इसलिए कोई भी आदमी यहाँ ड्यूटी करने में भी डरता है और अंबिका सिंह से बुरी तरह डरे हुए हैं कि इसी तरह इंजुरिया बाई की तरह इसकी कई औरतें रखेल के रूप में हैं, जिनसे संभावना है कि वैश्यावृत भी कराता है, तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब लड़कियाँ रहती हैं तो कई लोग बाहर के आते जाते रहते हैं, इससे संभावनाएँ हैं कि अनेक गतिविधियाँ इसके घर में संचालित होती हैं। तो इससे लोग सभी डरा हुआ है कि कभी भी किसी के विरुद्ध भी झूठा मुकदमा दर्ज करा के पुलिस के माध्यम से पैसा खर्च करके करवा सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ का जो कैंपस का अनऑथराइज क्वार्टर कब्जा करके रखा है, जबकि इसको गुदरीपारा में पहले से क्वार्टर लाट था, उस क्वार्टर को शायद इसने बेच दिया है, यहाँ बगैर अनुमति के बगैर अलाटमेंट के क्वार्टर लेके कब्जा करके रहता है। कंपनी तो एक्शन नहीं लिया इसके विरुद्ध, तो हम लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से खाली करें और जहाँ जाना जाए अपने पुराने क्वार्टर में जाए या बाहर जाए, क्योंकि डिसमिस हो चुका है, अब इसको क्वार्टर में रहने का अधिकार भी नहीं है और अनऑथराइज क्वार्टर में रहने का तो कतई पहले भी अधिकार नहीं था, आज भी नहीं अधिकार अधिकार इसका। ठीक है, कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी एवं उनको ऊपर झूठा कार्रवाई कराने का धमकी दे रहा अंबिकेश्वर सिंह, क्या कहेंगे इस संबंध में? मिस्टर त्रिपाठी जी एक आवेदन दिए हैं, उस आवेदन को थाना प्रभारी चिरमिरी को मैंने मार्क किया है, उसमें जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।